अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हमने स्टार्ट करना है मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि चैप्टर नंबर पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट वन में जो मिस्टर चिप्स और ब्रूकफील्ड के बारे में बताया गया है। इससे पिछला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैथरीन के साथ जो है वो मिस्टर चिप्स की मीटिंग होती है। फिर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आफ्टर मैरिज का चैप्टर है कि जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि वहाँ पर जो है उनकी दोनों की शादी हो जाती है, दे फॉलो इन लव। तो उसके बाद जो है वो कैथरीन को मिस्टर चिप्स जो है वो बताता है अपने प्रोफेशन के बारे में, उसका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन किस किस्म का है। और मिस्टर चिप्स जब इस चीज़ को बताता है तो साथ में जो है वो कैथरीन रिजेस भी इस चीज़ को जो है वो एडमिट करती हैं, वो हेजिटेट फील करता है, लेकिन हेजिटेशन के साथ साथ जो है वो बहुत ही एडमायर करती है इस चीज़ को, यानी कि अप्रिशिएट करती है इस चीज़ को। अप्रिसिएशन क्या होती है उसकी? उसकी अप्रिशिएशन ये होती है कि वो कहती है कि एक्चुअल में उसे ये था कि जब वो मिस्टर चिप्स से मिली थी तो उसे ये था कि ये मिडल एजड पर्सन है, और मिडल एज पर्सन जो है वो मोस्टली या डेंटिस्ट होते हैं या वो बिजनेस मैन होते हैं या लॉयर, उसके जहन में ये था। लेकिन जब उसे ये इस चीज़ का पता चला कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो एक टीचर हैं बाय प्रोफेशन, तो उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो एडमायर किया था, उसकी तारीफ की थी, अप्रिशिएट किया था इस चीज़ को। ये जो है ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग, कि शादी की रात से पहले, शादी से पहले जो रात थी वहाँ पर मिस्टर चिप्स को कैथरीन ब्रिजेस ने क्या कहा था? कैथरीन ब्रिजेस ने एक्चुअल में मिस्टर चिप्स को कहा था कि वो उसे, क्योंकि पता चल चुका था कि मिस्टर चिप्स जो हैं ये एक्चुअल में एक टीचर हैं, और इसे स्कूल में जो है वो, इसका पूरा नाम है मिस्टर चिपिंग, और उसे पता चल चुका था कि इसका नाम एक्चुअल में चिपिंग है। तो इसे वहाँ से, वहाँ पे इसका जो निक नेम है, पेट नेम है, वो नेम है इसका वहाँ पर चिप्स। इसीलिए वो इस उससे जो है वो ये पूछती है कि मैं आपको चिप्स कहूँ या मिस्टर चिपिंग कहूँ या सर कहूँ, तो ये जब वो पूछती है तो वो साथ ही खुद ही कह देती है कि मैं आपको मिस्टर चिप्स ही कहूँगी, और साथ में जो है वो उसे कह देती है गुड बाय मिस्टर चिप्स। और ये जो अल्फाज हैं ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जो है वो मिस्टर चिप्स के जहन में रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द हाउ डिड चिप्स डेप्रिशिएट हिम सेल्फ बिफोर हिज मैरिज, का अपनी शादी से पहले जो है वो मिस्टर चिप्स अपने आप को डेप्रिशिएट मीन्स अपने आप को जो है वो क्यों कमतर समझता था? उसके कमतर समझने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो वजह क्या थी? वो उसकी मीडियोकर डिग्री थी। उसके जहन में हमेशा यही था कि वो कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, कभी भी हायर लेवल पर नहीं जा सकता, किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। इस वजह से वो, उसके जहन में ये भी था कि ये जो है वो कोई भी एम्बिशियस गर्ल, कोई भी जिसको एम्ड गर्ल है, वो कभी भी उससे शादी नहीं कर सकती। ये उसके जहन में था, वो इसी वजह से अपनी मीडियोकर डिग्री की वजह से वो अपने आप को डेप्रिशिएट करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता व्हाट डिफरेंट सीन्स डिड मिस्टर चिप्स रिमेंबर ऑन द ईव ऑफ हिज वेडिंग, अब उसकी शादी के दिन जो है वो कौन से, शादी के दिन से पहले जो रात थी वो एक्चुअल में उस वक्त कौन से सीन जो है वो उसके जहन में आते हैं जब वो रिकॉल करता है उनको, रिकॉलिंग करने के बाद जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसके जहन में आती हैं? उनमें सबसे पहले ये कि जब वो होटल से, जब कैथरीन ब्रिजेस उसे कह देती है गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो उससे जो है वो जब वापस आता है अपने होटल की तरफ, तो रास्ते में आते हुए जो है वो हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग इन द रोडवे, क्लॉप क्लॉपिंग कहा जा रहा है कि जो चलने की आवाज़ है उसको कहा जा रहा है, कि वहाँ पर रास्ते में जो लाइटें जली होती हैं, स्ट्रीट्स लाइट, उनके जो लैंप्स जो हैं उनसे जो रोशनी निकल रही है वो रोशनी पर पड़ती है, पेमेंट कहा जा रहा है जो रास्ता है, जो सड़क थी उसके ऊपर, कर रास्ते के ऊपर जो है वो जैसे ही वो रोशनी पड़ती थी तो वो एक फ्लिकर, वो एक चमक पैदा करती थी। फिर एक लड़का जो है वो वहाँ पर शाउट आवाज़ लगा रहा था न्यूज़पेपर की, और वो अफ्रीका के बारे में, जो अफ्रीका की वहाँ पर जंग शुरू थी इस वक्त, वो उस वक्त के लिहाज से जो है वो बताया जा रहा है। फिर शेरलॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, शेरलॉक होम्स जो है वो एक डिटेक्टिव जो है ये एक जासूसी किस्म का करेक्टर है जो उस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द व्हाट वर कैथरीन्स व्यू अबाउट चिप्स प्रोफेशन,
कि चिप्स के प्रोफेशन के बारे में उसका क्या राय थी, क्या जहन था उसका। एक्चुअल में चिप्स के प्रोफेशन के बारे में जो है वो उसका ये जहन था कैथरीन ब्रिजेस का कि ये एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो प्रेजेंट जनरेशन और आने वाली जो नस्लें हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिस प्रोफेशन का असर होता है वो ये वाला प्रोफेशन है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रखा होगा।